हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक स्मूथ स्किन वाला फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इस वाला फोटो एडिटिंग पे आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज के साथ साथ स्किन स्मूथनिंग वगैरह सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। और फॉलो कर लेने के बाद आप जो यहाँ पे जो स्टेप्स यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो स्टेप्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सारे स्टेप्स आप भी अच्छे से कर पाओगे और आप भी इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, एक आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपना फोटोशॉप को ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको ये मेन फोटो और उसके साथ साथ ये बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वाला बैकग्राउंड को आपको ओपन कर लेना है अपना फोटोशॉप 7.0 के अंदर। और यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको ओपन कर लेने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा अपना मेन फोटो के ऊपर। देख सकते हो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अभी यहाँ से रिसाइजेस करूँगा, तो चले शिफ्ट दबाते हुए, यहाँ पे फोटोशॉप 7.0 है इसीलिए शिफ्ट दबाते हुए ओवरऑल इस तरह से रिसाइजेस कर लूँगा। मेरे को नीचे वाला हिस्सा चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इतना तक रख दिया। अभी इतना तक रखने के बाद बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। कंट्रोल जे दबा के कर सकते हैं या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। अभी ये डुप्लीकेट लेयर को ड्रैग करना होगा अपना ऊपर वाले हिस्से पे, मतलब सबसे ऊपर लेयर कर लूँगा इसको। और ऊपर वाले हिस्से पे कर लेने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करना है। और पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करते हुए ये जो बैकग्राउंड का कॉपी था, ये जो बैकग्राउंड इसका मतलब ये मेन फोटो का जो बैकग्राउंड है, इसको हमको रिमूव करना है। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल दूंगा एक मेरे चैनल पे कि बहुत सारे भाइयों ने मेरे को पूछा था ये पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में, कैसे ये बैकग्राउंड वगैरह मतलब कटिंग किया होता है, किस तरह से कीज़ वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, सारे कुछ इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो इसके एक डेडिकेटेड वीडियो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पॉलीगोनल लासो टूल से मैं धीरे धीरे करके ओवरऑल बैकग्राउंड को यहाँ इस तरह से रिमूव कर लेता हूँ। और रिमूव कर लेने के बाद आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वाला स्टेप। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लेना। तो चलिए धीरे धीरे करके आप लोगों को ओवरऑल फोटो का यहाँ पे दिखा देता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग। तो देख सकते हो मैं यहाँ से ओवरऑल पूरा बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आपको सिलेक्ट रहना है। अभी डिलीट बटन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है। तो अभी देख पाओगे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुकी है। आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल डी दबा देना है। तो कंट्रोल डी दबा देने के बाद देख सकते हो डी सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पे छोड़ दिया था, तो इसीलिए ये पार्ट्स आपको रिकवर करना है। तो मैं इसके ऊपर एक मास्क लूँगा, मतलब ये मेन फोटो के ऊपर। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा और फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना है। अभी धीरे धीरे करके ये जो मास्क है, आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है। आपको ये जो मास्क है यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको इस तरह से कुछ ब्रश कर लेना है। और ब्रश कर लेने के बाद आप भी देख पाओगे कि यहाँ से देख सकते हो कितना परफेक्टली यहाँ से बैकग्राउंड के साथ साथ ये सारे कुछ रिमूव हो रही है। तो आपके मुताबिक यहाँ पे सारे कुछ कर लेना, मैं यहाँ पे इतना तक ही करूँगा। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, यही ब्रश के लिए मेरा यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो मैं इसको ब्रश टूल का साइज थोड़ी सी छोटा करके कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगा। तो ब्रश कर लेने के बाद आप देख पाओगे कितना परफेक्टली यहाँ पे सारे कुछ मैनेज हो रही है। तो आप धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो से जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप इसे यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर लेना। तो मैं धीरे धीरे करके देख सकते हो ओवरऑल इस साइड पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी इतना होने के बाद अभी करना क्या है, ये तो मेन फोटो का ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई लेयर मास्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड के साथ साथ किस तरह से मैंने एडजस्ट वगैरह कर ली है। अभी इतना तो मेरा हो गया। अभी करना क्या है, ये जो मेन फोटो का नीचे वाला हिस्सा है ना, जो ग्राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ पे मेरे को कुछ एडिट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हुई सैचुरेशन लूँगा। यहाँ से नीचे वाला ये हिस्से को देखते हुए मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूँगा। तो मेरा नियर अबाउट कुछ इतना पे मैं छोड़ूंगा। नीचे देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर बैठा है, इसका सैचुरेशन देख लो। अभी इतना होने के बाद ओके कीजिए, ये मास्क को अगेन कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कीजिए। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट होना चाहिए। अभी ब्रश टूल का साइज थोड़ी सी बड़ा कर लीजिए ना। तो थोड़ी सी बड़ा कर लेने के बाद देख पाओगे मैं जिस तरह से ब्रश कर रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रश कर लेना। और ब्रश कर लेने के बाद आपका देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा जो है वो सैचुरेटेड हो चुकी है।
आप देख ही पाओगे किस तरह से सैचुरेटेड यहाँ पे हो चुकी है। अब कुछ इतना तक रखना है। अभी क्या करना है, अभी इस पूरा फोटो के ऊपर आपको सिलेक्टिव कलर वगैरह ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आप एक बार ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर ऐड कर लीजिएगा, 10-10 करके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, हुई सैचुरेशन आपका बैकग्राउंड के ऊपर कंट्रोल ही दबाते हुए अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे स्किन रिटचिंग वगैरह करूँगा। तो स्किन रिटचिंग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको स्किन रिटचिंग करने के लिए एक चीज़ देख लीजिए, स्किन के ऊपर बहुत सारी रेडनेस यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाली जो लेयर है इसके नीचे मैं सबसे पहले एक यहाँ पे सबसे पहले लूँगा एक हुई सैचुरेशन वाला लेयर, और यहाँ पे थोड़ी सी रेड को चूज़ करूँगा। पैनल जो इसका एडिट है रेड को चूज़ करूँगा, सैचुरेशन को नियर अबाउट -30 के आसपास डिक्रीज करूँगा और ओके करूँगा। अभी ये वाला जो मास्क है इसको कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूँगा, और अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रहेगा। आपको धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो का इस तरह से स्किन के ऊपर आपको ब्रश कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ पे आपको नीडेड नहीं है वहाँ पे आप ब्रश मत करना। मैं ओनली यहाँ पे स्किन के ऊपर ब्रश करूँगा जहाँ जहाँ पे मेरा रेडनेस यहाँ पे आ चुकी थी, तो धीरे धीरे करके ओवरऑल वही पार्ट मेरे को रिमूव करना है। तो देख ही सकते हो किस तरह से मैं यहाँ पे रिमूव वगैरह कर रहा हूँ। बाकी का पार्ट के ऊपर वहाँ पर ब्रश मत कीजिएगा ताकि फोटो का लुक वो चेंज ना होए। तो मैं धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से मैं ओवरऑल स्किन वगैरह के ऊपर जहाँ जहाँ पे मेरा इस फोटो का स्किन है तो इस फोटो के स्किन के ऊपर सारे कुछ यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लूँगा। और ब्रश कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखाऊँगा यहाँ पे और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा इस फोटो के लिए। तो देख सकते हो मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। अभी रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पे करना क्या है, अगेन आप कंट्रोल ये दबा लीजिएगा तो ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे स्किन रिटचिंग वगैरह करना है, तो स्किन रिटचिंग के लिए मैं एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर लूँगा, यहाँ पे ब्राइटनेस 10 डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। अभी ये जो ब्राइटनेस वाली लेयर है कंट्रोल ये दबाते हुए मास्क डाउन कीजिए, ऊपर वाला जो ब्राइटनेस लेयर है पहले लिया था वो रहेगा। अभी एक चीज़ लिख दिया मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो कॉपी है इसका कंट्रोल जे दबाते एक डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर को कंट्रोल ई दबाते अप्लाई करूँगा ताकि ये दोनों लेयर सेपरेटेड हो जाए। अभी ये वाला लेयर के ऊपर ब्लर ऐड करना है तो मैं नाम दे दूंगा ब्लर। तो ब्लर ऐड करने के लिए इस फिल्टर पे जाना होगा, ब्लर पे जाना होगा, यहाँ पे गॉसन ब्लर ऐड करूँगा। यहाँ पे गॉसन ब्लर का अमाउंट आप 3-5 के आसपास से स्टार्ट कर लेना, मैं 5 के आसपास से स्टार्ट करूँगा, 5 पे क्लिक किया। अभी ये ब्लर वाला लेयर के ऊपर मास्क लेना है, कंट्रोल आई देते हुए मास्क को इन्वर्ट कर लीजिएगा, फोरग्राउंड कलर अगेन आपका व्हाइट रहेगा, ब्रश टूल को सिलेक्ट करके रखना है और धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो के ऊपर इस तरह से स्किन के ऊपर आपको ब्रश कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम ना गवाते हुए मैं धीरे धीरे करके ओवरऑल स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ और वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट होए। तो चलिए धीरे धीरे करके आप पूरा फोटो वीडियो देख लेना। तो देख सकते हो मैंने ओवरऑल फोटो के ऊपर तो स्किन रिटचेस वगैरह कर दिया। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो सेकंड चैनल है ईवी ग्राफिक्स फॉर यू, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑटोमेटेड रिटचिंग टूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जरूर वहाँ पे जाके वो वाला चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा आपको चीज़ें वगैरह इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक सॉलिड कलर वाला लेयर लूँगा और सॉलिड कलर पे मैं यहाँ पे रेड चूज़ करूँगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कर लूँगा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको इसके मास्क के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल आई दबा तो इन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी ब्रश टूल सिलेक्ट रहना है, फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट रहेगा। आप धीरे धीरे करके इस तरह जहाँ जहाँ पे आपका नीडेड है, मैं इसका ब्लाउजेस वगैरह के ऊपर मेरे यहाँ पे रेड कलर नीडेड है तो मैं इसीलिए यहाँ पे ब्रश करना स्टार्ट कर लिया रेड कलर लेके। आपका अगर इस तरह से कलर नीडेड होगा तो मल्टीप्लाई करके ड्रेस के ऊपर ऑनली अप्लाई करना। तो चलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं पूरा ब्रश कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने ओवरऑल इसका जहाँ जहाँ पे मेरा नीडेड था वहाँ पे मैं कलर तो अप्लाई कर चुका हूँ। अभी सिलेक्टिव कलर लूँगा इस वाले लेयर के ऊपर, चलिए सिलेक्टिव कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा, चलिए सबसे पहले चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से मैं योलो को चूज़ करने के बाद इसका जो योलोनेस है इस वाले मतलब मेन फोटो के ऊपर, तो चलिए एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ओके करके ऑल्ट दबाते हुए ये दो लेयर के बीच में सारे कुछ क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये वाला सिलेक्टिव कलर इसके नीचे रखूँगा और यहाँ पे दो लेयर के बीच में क्लिक करूँगा इस तरह से, और एडजस्टमेंट इस तरह आइकन को जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले रेड से चूज़ कर लूँगा मैं योलो को। योलो का जो कैन यहाँ पे मिलेगा कैन को मैं इंक्रीज़ करूँगा नियर अबाउट +100 के आसपास,
और यहाँ से प्लस 100 के आसपास करने के बाद इसका जो ब्लैकनेस है, ये ब्लैकनेस को मैं ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे जीरो ही रखूँगा मैं ये वाला ब्लैकनेस को, अपने मुताबिक कर लेना। मैं अगर स्किन के ऊपर आपको मतलब ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे ये जो येलो का जो ये ब्लैकनेस है आप पूरा पूरा नियर अबाउट 50 के आसपास डिक्रीज़ कर लीजिएगा। अभी यहाँ से सबसे पहले जाऊँगा कैन के ऊपर, और कैन का जो इस या पहले जो कैन है कैन को कर लीजिए प्लस 100, मैजेंटास को यहाँ पे कर लीजिए नियर अबाउट, मेरे थोड़ी सी इफेक्ट देख के आपको करना होती है। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं ओवरऑल इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ। कैन से ब्लू पे जाऊँगा और ब्लू को यहाँ पे चेंजेस करके देखूँगा और उसके बाद ओके करूँगा। अगर ये वाला इफेक्ट इसके स्किन के ऊपर पड़ता है तो परफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, परफेक्टली यहाँ पे हो चुकी है। तो ओवरऑल फोटो देख सकते हो अभी किस तरह से लग रहा है, और यहाँ पे इतना तक होने के बाद आप ओवरऑल फोटो के ऊपर अभी काम है। ओवरऑल फोटो के ऊपर क्या काम है, आप चाहो तो हुई सैचुरेशन वाला ले सकते हो, और आप कपड़ों वगैरह के ऊपर देख लेना कि यहाँ पे सैचुरेशन ऐड करने के बाद किस तरह से मिल रहा है। तो मैं 40 के आसपास करके ओके किया। अभी ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इनमार्ट कीजिए, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप फोरग्राउंड कलर आप व्हाइट ही रहना है। आप धीरे धीरे करके ओवरऑल साड़ी वगैरह के ऊपर आप इस तरह से ब्रश कर लेना, तो बहुत सारा कलर्स वगैरह यहाँ पे स्किन जो साड़ी वगैरह के ऊपर आ जाएगा, तो परफेक्ट एक सा आउटपुट आप लोगों को मिल जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इस साड़ी को और भी परफेक्ट बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना। आप व्हाइट कलर सबसे पहले लेना, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है कर लीजिएगा कलर, और कलर करने के बाद एक मास्क को कंट्रोल आई दबा तो इन्वर्ट कीजिएगा, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप धीरे धीरे करके देख सकते हो। मैं ओवरऑल जहाँ जहाँ पे इसका जो साड़ी था वो मैं सैचुरेटेड को हटा के नॉर्मल कलर पे मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे बदल रहा हूँ, और ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे बदलने के बाद आपको और कुछ चीज़ें वगैरह बताऊँगा जो करने के बाद यहाँ पे इसका साड़ी जो है और भी परफेक्ट लुक आएगा। देख ही सकते हो किस तरह से यहाँ पे चेंजेस वगैरह हो रही है। तो आप भी नॉर्मल इस तरह से रख सकते हो, या चाहो तो मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये जो व्हाइट कलर है इस कलर के ऊपर आप कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा इतना ही काफ़ी है। तो इतना होने के बाद अभी करना क्या है, चलिए धीरे धीरे करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको जो अप्लाई करना होगा वो है कलर बैलेंस वाली लेयर। तो चलिए एक बार कलर बैलेंस वाली यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ। कलर बैलेंस वाली लेयर लेने के बाद हाइलाइट्स पे जाना, और हाइलाइट्स पे जाने के बाद इसका जो ब्लू है ब्लू को नियर अबाउट 25 के आसपास इंक्रीज कर लेना। इसका जो मैजेंटास मिलेगा मैजेंटास को आपको यहाँ पे ग्रीन के साइड पे मैजेंटास को ग्रीन मिलेगा, आप एक बार देख लेना ग्रीन के साइड पे देखिए, अगर परफेक्टली नहीं होते तो -5 करना मैजेंटा के साइड पे। यहाँ से रेड एंड कैन जो मिलेगा कैन के साइड पे -10। अब फिर मिड टोन्स पे जाना, मिड टोन्स का ब्लू को +10 के आसपास कर लेना, और यहाँ से इसका जो मैजेंटास मिलेगा इस मैजेंटा के साइड पे आप अगेन -5 कर लीजिएगा, और रेड के साइड पे यहाँ पे आपको इंक्रीज करना होगा +5 तक। अगर रेड के साइड पे इंक्रीज कर रहे हो ज़्यादा रेड हो रही है तो यहाँ पे नीचे वाला लेयर को आपको 0 के आसपास ही रख देना है, अभी ओके करना है। तो ओवरऑल फोटो देख लीजिए इस वाला लेयर के लिए कितना परफेक्ट यहाँ पे एडिट वगैरह हो चुकी है। अभी इतना होने के बाद ओवरऑल फोटो के ऊपर आप अगर हुई सैचुरेशन ऐड करना चाहते हो तो लिटिल बिट आप हुई सैचुरेशन ऐड कर सकते हो +10 के आसपास। तो मैंने +10 के आसपास यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अभी अप्लाई हो जाने के बाद अगर और कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप सिलेक्टिव कलर ले सकते हो, और सिलेक्टिव कलर से सिलेक्टिव कलर का रेड जो है वो लिटिल बिट डाउन कर सकते हो। ओवरऑल फोटो का ऊपर अप्लाई करना होती है। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं येलो को थोड़ी सी डाउन किया, कैन को लिटिल बिट मैं यहाँ से इंक्रीज कर लूँगा कैन को, और यहाँ से ब्लू पे जाऊँगा ब्लू को भी लिटिल बिट इस तरह से इंक्रीज कर लूँगा, और ब्लू को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे मैजेंटास पे जाऊँगा मैजेंटास को लिटिल बिट यहाँ पे इंक्रीज करना होती है। अभी व्हाइट्स पे जाना होगा, और व्हाइट्स का जो व्हाइट है इसको 0 करता हूँ सबसे पहले। व्हाइट का जो नीचे वाला लेयर है इसका जो ब्लैक है इसको आपको चेंजेस करना है, इसको -20 के आसपास मैंने रखा। अभी व्हाइट से नेचुरल पे जाऊंगा, इसका जो ब्लैक है इसको 3 के आसपास, और यहाँ पे जो ब्लैक मिलेगा इसका ब्लैक को भी 3 के आसपास रख के मैं यहाँ पे ओके कर दिया। अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह से लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सा एक आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप सैचुरेशन नीचे वाला हिस्से पे हटाना चाहते हो तो भी सैचुरेशन यहाँ पे हटा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो कलर है यहाँ पे आपको ये लेयर सिलेक्ट करते हुए आप कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना आपको परफेक्ट आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। दोनों फोटो को अगर दो साइड पे मैं रख के दिखाऊं, चलिए एक काम कर लेता हूँ, सारे को ग्रुप बना सकते हो, या चाहो तो देख सकते हो मैं पहली वाली फोटो था कुछ इस तरह का, और एडिट करने के बाद हुआ है कुछ इस तरह का। तो आपको दिख रहा है किस तरह का आपका एडिट हो चुकी है। तो अगर ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आती है जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नए कोई एडिटिंग के साथ, नए कोई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।